इसको बने हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुका है और इसमें अगर सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो काफी अच्छा यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी है और बैठने का अगर आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो भी बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा कि आप कोई नाम वफा पूछे मैं नाम तेरा लूंगा जब चाहूं तुम्हें देखूं। रिजवान भाई कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि अपने बारे में। जी मेरा नाम रिजवान मुस्तफा है और अभी मैंने हाल ही में चैनल बनाया है, चैनल का नाम है RM ब्लॉग। जी आपको टूर की वीडियो मिलेगी और जो जो भी अब मेरी एक्टिविटी होगी सारी एक्टिविटी की वीडियो आपको आएगी उस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो फिलहाल आपको हम मऊ सेल्फी पॉइंट को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है और किस तरह से है। तो आप यहाँ पर देखिए तो ये सोलर का यहाँ पर लगा हुआ है लाइट जो पैनल है यहाँ पर लगा हुआ है और जो इसका डेकोरेशन किया गया है जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो काफी खूबसूरत हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को आदाब और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ में और आपको बता दें कि आज का ब्लॉग हम आपको दिखाने वाले हैं मऊ सेल्फी पॉइंट के बारे में आपको दिखाएंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि काफी खूबसूरत यहाँ का नजारा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लोग हैं आते हैं यहाँ पर आकर के यहाँ पे सेल्फी लेते हैं और बकायदा आपको बता दें कि यहाँ पर जो टिकटॉकर्स होते हैं वो आकर के रील बनाते हैं क्योंकि ये मऊ जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ये काफी फेमस लोकेशन हो गया है और यहाँ पर आकर के लोग टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं जो काफी ट्रेंडिंग करती है, वायरल होती है, तो इसके लिए यहाँ का लोकेशन वायरल होता है। तो हम इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बलिया मोड़ स्थित जो आई लव हमारा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आई लव हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट बना है वहां पर हम मौजूद हैं और वहां की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि काफी खूबसूरत ये नजारा है यहाँ का। आज का मौसम भी काफी सुहाना है, बादल बारिश वाला बादल है और काफी देर से धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। तो आप ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये फाउंटेन है जो रात में ये लाइटिंग के साथ काफी खूबसूरत लगता है जब ये चलता है। तो आप ये तस्वीरें देखिए और यहाँ पर देखिए जैद भाई भी हमारे साथ हैं। जैद भाई के बारे में बताएं तो जैद भाई यूट्यूब पर एक चैनल बना रहे हैं RM ब्लॉग्स के नाम से और काफी शानदार उनका ब्लॉग होगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इनके ब्लॉग को जाकर के YouTube पे सर्च करिए RM ब्लॉग और इनके ब्लॉग को देखिए। ये आपको टूर कराएंगे जहां जहां पे भी जाएंगे ये उसका ब्लॉग बना करके आपको ये दिखाएंगे। तो ये हमारे साथ रिजवान भाई हैं। रिजवान भाई कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि अपने बारे में। जी मेरा नाम रिजवान मुस्तफा है और अभी मैंने हाल ही में चैनल बनाया है, चैनल का नाम है RM ब्लॉग। जी आपको टूर की वीडियो मिलेगी और जो जो भी अब मेरी एक्टिविटी होगी सारी एक्टिविटी की वीडियो आपको आएगी उस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाइक शेयर सब करिएगा और आने वाले वक्त में आपको अच्छे से अच्छे मऊ के बारे में जानकारियां मिलेगी, अच्छी से अच्छी जो भी लोकेशन होगा, जो भी खाना पीना जो भी पार्टी वगैरह होगी सब की वीडियो आपको आती, पार्टी भी होगी ये नोट करिएगा, पार्टी भी होगी सब अच्छी अच्छी वीडियो आती है, जहाँ भी हम जाएंगे आपको दिखाएंगे जरूर, आप वीडियो पे बने रहिएगा। आपको वीडियो का हम अपने बारे में जितना भी होगा आपको सब जानकारी देंगे और हम जहाँ भी घूमने जाएंगे वहाँ की अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी आपको कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। आप वीडियो पे बने रहें। आप YouTube पे हैं या Facebook पे? दोनों YouTube पे हैं फिलहाल, YouTube पे हैं, Facebook पर भी आ जाएंगे। तो हमारे साथ रिजवान भाई थे और रिजवान भाई के आप YouTube पर जाकर के RM ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके चैनल को देखिए। फिलहाल आपको हम मऊ सेल्फी पॉइंट को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है और किस तरह से है। तो आप यहाँ पर देखिए तो ये सोलर का यहाँ पर लगा हुआ है लाइट जो पैनल है यहाँ पर लगा हुआ है और जो इसका डेकोरेशन किया गया है जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो काफी खूबसूरत हैं। और अगर आप देखिए तो बारिश हुई है तो और भी जो जितनी पत्तियां हैं सभी पत्तियों पे बूंद बूंद जो पानी है वो काफी अच्छा लग रहा है जो जमा हुआ है। और आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए तो ये अगर आपको हम बताएं तो ये बलिया मोड़ आगे मिलेगा आपको जो गोरखपुर और बलिया को रास्ता जाएगा और ये जो रास्ता आप देख पा रहे होंगे ये भीटी से होते हुए गाजीपुर तिराहा और आजमगढ़ की तरफ जाएगा ये रास्ता, सॉरी वाराणसी की तरफ से ये रास्ता जाएगा और इधर से अगर आप जाते हैं तो ये आजमगढ़ की तरफ ये रास्ता जाएगा। तो ये हम आपको बीच सेंटर में जो है आई लव हमारा जो मऊ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है ये एकदम सेंटर में है, दोनों साइड से रास्ता है, उस साइड से भी रोड है, इस साइड से भी रोड है। तो आप देख पा रहे होंगे ये काफी खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पर लोग आकर सेल्फी लेते हैं और आपको बता दें कि इसको बने हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुका है और
इसमें अगर सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो काफी अच्छा यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी है, और बैठने का अगर आप सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो भी बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा कि आप अपने घर से निकलेंगे यहाँ तक आइए और आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से अपने घर को जा सकते हैं अगर नजदीक से है तब। और ये आपको बता दें कि थोड़ी सी दूर पर यहाँ पे स्टेडियम है, जो भीमराव स्टेडियम है वो थोड़ा सी दूर पे है, लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से होगा। तो आपको हम ये मऊ के जो सेल्फी पॉइंट है उसके बारे में आपको बता रहे थे, जिसको उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री और जो उस कार्यकाल में जो चेयरमैन थे। द्वारा ये सेल्फी पॉइंट पे ये बनवाया गया था, ये काफी खूबसूरत है। और यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपको सेल्फी पॉइंट के बारे में हमने बता दिया, और आगे की वीडियो आपको इसी तरह हम देते रहेंगे क्या कुछ मऊ में चलता है। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अपने क्या राय है आपकी, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।